हे गाइस, हमारे लिए रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह दिन का शुरुआत हम लोग करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए और हेल्दी स्किन के लिए। बिना हेल्दी हैबिट के हम लोग लाइफ लॉन्ग ब्यूटी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कुछ हेल्दी हैबिट जो बहुत ज़्यादा सिंपल है मैं फॉलो करती हूँ और उससे मैंने अपने ब्यूटी को बहुत अच्छे से इन्हेंस किया है, तो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी फॉलो करना शुरू कर दो। ये पोइट्री तो हम लोग बचपन से सुना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हमें स्मॉल स्मॉल स्टेप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप 7 बजे उठते हो तो कोशिश करो 6 बजे उठ जाओ। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, पर 3 दिन के दिन ज़रूर होगा। अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि मुझे उठना है, आपको खुद से अगर प्यार है ना, सेल्फ केयर जिसे हम बोलते हैं, तो आप ज़रूर उठ पाओगे। सुबह उठने का बहुत सारा फ़ायदा है, वो हम सबको ही पता है। अपने ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप 5 बजे उठते हो और 9 बजे अगर जॉब पे जाते हो या फिर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपके पास 4 आवर टाइम रहता है अपने आप को देने के लिए। आप वर्कआउट कर सकते हो, स्किन केयर कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मॉर्निंग में फुल आप मॉर्निंग का रूटीन को फॉलो कर सकते हो, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना सकते हो, तो वैसे ही आप अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। सुबह उठते ही मैं गर्म पानी और ड्राई फ्रूट लेती हूँ। आपके पास अगर कोई भी ड्राई फ्रूट ना हो ना, तो नॉर्मल जो पीनट आता है आप वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत हेल्दी होता है और हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो मॉर्निंग पे। एकदम मॉर्निंग में उठते ही चाय कॉफ़ी ऐसा कुछ कैफीन वगैरह मत पीना। ड्राई फ्रूट लेने से हमारे ब्रेन हेल्दी रहता है, हमारे स्किन हेल्दी रहता है, हेयर हेल्दी रहता है और ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहता है। तो ये छोटे छोटे जो हेल्दी हैबिट है आप अपने रूटीन पे जरूर ऐड करें। अपना नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए आपको रेगुलर वर्कआउट करना होगा। वर्कआउट करने से हमारे मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होता है। वर्कआउट करने से बोन्स को एंड मसल को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ मिलता है, बॉडी टोन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपको स्किन भी क्लियर होगा। अगर एक्ने पिंपल का आपको प्रॉब्लम है, धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन पूरा बॉडी में होता है तो हमें एक नेचुरल ग्लो भी देखने मिलता है। इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके प्रीमियम मेंबरशिप लो, योगा क्लास ज्वाइन करो या फिर जुम्बा क्लास ज्वाइन करो या फिर कोई स्टाइलिश सा जिम वेयर पहनो, उसके बाद अपना फिटनेस जर्नी शुरू करो। मैंने क्लास 9 पे अपना फिटनेस जर्नी शुरू किया था, वो भी अपने टेरेस पे। मुझे उतना कुछ पता नहीं होता था, ना मोबाइल था, ना उतना यूट्यूब का कुछ नॉलेज था, तो मैं स्किपिंग करती थी और मैं ना दौड़ती थी और मैं अपना टम्मी के लिए वर्कआउट करती थी। तो मुझे जितना पता था मैं वो सारी चीज़ें करती थी एंड मेरा फिटनेस जर्नी तब से शुरू हुआ है। और मैं छोटी से बहुत ज़्यादा पैशनेट थी ये ब्यूटी को लेके। तो आप लोगों के अंदर भी वो जज्बा है ना कि मुझे खुद के लिए अच्छे से अच्छे चीज़ों को करना है, तो घर पर भी बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्टेप लेके भी अपने ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हो। जस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक माय वॉल सिस्टर। तो सुबह सुबह अपने बॉडी को मैं क्लीन करने के लिए डिटॉक्स वाटर पीती हूँ। तो आज मैं पी रही हूँ एलोवेरा का डिटॉक्स वाटर। और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट एक छोटा सा क्यूब ही लेना होता है ताकि एक टीस्पून निकल जाए उसमें से। और जो बॉटल में मार्केट में मिलता है वो यूज़ मत करना, बेकार है, बकवास है, कोई काम नहीं आता है, प्रिजर्वेटिव पता नहीं क्या रहता है। तो वो एलोवेरा जूस पीने से कुछ नहीं होता है, मैंने ट्राई किया था इसलिए मैंने अपना फीडबैक दिया। और घर पे मेरा एलोवेरा है तो मैं घर पे ही फ्रेश एलोवेरा लेके इसको बना के पी लेती हूँ। और मैंने थोड़ा सा 7-8 पत्ता मैंने कड़ी पत्ता दे दिया है एंड कड़ी पत्ता और एलोवेरा का जूस मैं सुबह सुबह अभी पी रही हूँ बॉडी को क्लीन करने के लिए।
लिए 15 दिन ऑलमोस्ट मेरा हो गया। मैं हमेशा ऑल्टरनेट करके पीती हूँ, जब मुझे जो जो प्रॉब्लम होता है स्किन में उस हिसाब से मैं अपना डिटॉक्स वाटर को भी चेंज करके रहती हूँ और मैं अपना डिटॉक्स जूस को भी चेंज करती रहती हूँ। तो आज जो मैं जूस पी रही हूँ ये मेरा एक्ने के लिए, मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा था, बहुत ज़्यादा दाग हो रहा था और सनबर्न जो समर में हुआ था उसको इंटरनली हील करने के लिए। आपको एक्ने को भी हील करेगा, पिगमेंटेशन को भी हील करेगा, सनबर्न जो हो गया है इंटरनली हील करेगा, आँखों का रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बरसात का टाइम है, कम ज़्यादा सबको ही हेयर फॉल हो ही रहा होगा, तो आप लोग भी अपने डाइट पे अगर एलोवेरा कड़ी पत्ता जूस को अगर ऐड करते हो तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने मिलेगा, आपका हेयर फॉल रिड्यूस होगा। साथ ही साथ में कड़ी पत्ता है तो आपके हेयर को हाइड्रेशन भी मिलेगा और आपका हेयर ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगा। मेरे स्किन में पिंपल्स भी था और छोटा छोटा मेरा पिंपल्स का दाग भी रह गया था, तो धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रहा है। कड़ी पत्ता और एलोवेरा में आपको 10 रुपया भी खर्चा नहीं होगा और आपके स्किन को इतना सारा बेनिफिट भी मिलेगा। तो सिंपल सिंपल केयर से हमारे ब्यूटी रूटीन को इनहेंस हम लोग कर सकते हैं। ब्यूटी कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि रातों रात सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। स्किन को अच्छे से केयर करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम है उसी में टारगेट करके एक स्किन रूटीन हमें फॉलो करना होता है। अभी मेरा मेन फोकस है सनटैन रिमूव करना, क्योंकि समर के टाइम पे इतना ज़्यादा गर्मी था, धूप था, तो जितना भी सनस्क्रीन लगा के बाहर क्यों ना गया हो, थोड़ा बहुत सनटैन सबको ही फेस करना होता है। तो राइट टाइम है अपने सनटैन को रिमूव करना। सनटैन अगर छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो डीप पिगमेंटेशन हो जाता है, जो स्किन पूरा ब्लैक हो जाता है और उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो जब थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम अपनी स्किन में दिखे उस हिसाब से हमारे स्किन का केयर हमें खुद ही करना चाहिए। अरे फुल बॉडी मास्क मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि बहुत ही क्विक रिजल्ट देता है, टैन को बहुत ही इजीली रिमूव करता है, क्योंकि बीट रूट है जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है और स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे टर्मरिक है जो अगेन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड यहाँ पे लैक्टिक एसिड है क्योंकि दही है, हाइड्रेट भी करता है, डेड सेल को भी रिमूव करता है और इसको 10 दिन में एक दिन या फिर हफ्ते में एक दिन यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये कुछ बेसिक हेल्दी हैबिट्स है जो हमारे रेगुलर लाइफस्टाइल को बेटर बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि रोज़ 2 टाइम करके हेयर को ब्रश करना चाहिए ताकि डिटैंगल हो और हमारे हेयर हेल्दी रहे। स्किन का टेक केयर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, स्किन को कौन सा प्रोडक्ट का नीड है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ग्लो चाहिए, तो स्किन का बैरियर पे और आपका स्किन सेल का रिपेयर में ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि कोई भी एसिड सीरम से। एसिड सीरम तब लगाना चाहिए जब स्किन में प्रॉब्लम है, विदाउट प्रॉब्लम अगर एसिड सीरम लगाने से आपका बैरियर डैमेज होता है और लॉन्ग टर्म तक अगर ये प्रोसेस चलता रहता है तो आपको डीप पिगमेंटेशन भी हो सकता है। तो ऑलवेज समझने के बाद प्रोडक्ट चूज करें। हम चाहे कितना भी स्किन केयर फॉलो कर ले, अगर हेल्दी डाइट नहीं होगी तो सब कुछ वेस्ट है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत फैंसी एक्सपेंसिव डाइट हो, आप घर का ही खाना खा सकते हो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गया, प्रोटीन हो गया, आपके डाइट में बायोटिन हो गया, फाइबर हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, ये सारी चीज़ इंक्लूड रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाओ एंड आप कोशिश करो कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लो, जैसे कि मैं बहुत फिश खाती हूँ बिकॉज मेरा स्किन और हेयर के लिए। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ भी अगर आप डाइट पे अगर ध्यान रखोगे तो आपके स्किन हेल्थ ओवरऑल बॉडी भी बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। हमारे डाइट 70-80% इंटरनली वर्क करता है, तो हमेशा डाइट पे फोकस करें। अपने डाइट पे कोई भी सीजनेबल फ्रूट ऐड करें या फिर कोई भी एक फ्रूट डे पे आप ज़रूर लें। मैं यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट ले रही हूँ। ड्रैगन फ्रूट का ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये इम्प्रूव करता है आपका ह्यूमनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए, आपको इम्प्रूव करता है डाइजेस्ट में, आपको हार्ट हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, आपके
हेयर को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी करने में हेल्प करता है, आपके बोन्स को हेल्प करता है हेल्दी करने में, एंड फाइट करता है एंटी एजिंग में, एंड ये ना रिड्यूस करता है डायबिटीज़ में। एंड सबसे अच्छी बात है, ड्रैगन फ्रूट अगर आप मंथ में 3 से 4 बार लो, मतलब हफ्ते में आप एक बार करके अगर लो, बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो ये सारे जो बेनिफिट है ये आपको हेल्थ में मिलता है। एंड ये मैंने कुछ टाइम से ना ऐड किया है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मैं इसको ऐसे तो नहीं है कि मैं रोज़ खा पाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ अभी मंथ में मैं इसको 4 बार लेती हूँ, हफ्ते में 1 दिन करके लेती हूँ। और इससे क्या हुआ है, मैं जो देख रही हूँ मेरा गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। तो गट हेल्थ जब इम्प्रूव होता है तो आपको दिखने मिलता है, आपको ओवरऑल बॉडी में ना आपको रिजल्ट दिखने मिलता है। तो कोशिश करो कि फ्रूट थोड़ा बहुत, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्ट में पैसा खर्चा कर देते हैं, वही खाने में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे सिर्फ स्किन को नहीं, हमारा फुल बॉडी को फ़ायदा मिलता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें करके भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे जो स्किन होता है ना, स्किन में अगर फ्रूट जब हम लोग खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नरिश रहता है, हाइड्रेशन रहता है, और हाइड्रेट रहेगा तो वैसे ही आपका स्किन ग्लो करता है। तो डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही आराम से आप डिज़ाइन करो, कौन सा दिन आपको क्या खाना है, उस हिसाब से अपने डाइट में फ्रूट को इंक्लूड करो और एक हेल्दी स्किन को अचीव करो। खुद को सोशल मीडिया से थोड़े देर के लिए एकदम से दूर कर दे और बुक रीड करे। बुक रीड करने से आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, एंड बुक रीड करने से आप बहुत कुछ सीखते हो। सोशल मीडिया में जब हम लोग देखते हैं तो रिलेशनशिप देखते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, स्किन परफेक्ट है, किसी का घर है, किसी का गाड़ी है, किसी का जॉब है, बिजनेस है, तो हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं। आज नहीं तो कल, एक दिन नहीं तो 2 दिन, फिर हम धीरे 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 उस चीज़ को डीपली लेते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, इसके कारण डिप्रेशन भी होता है, और अपने आप को हम लोग डीमोटिवेट करते हैं। ये सोचते हैं कि मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा बॉडी अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा खाना अच्छा नहीं है, तो हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लो कर लेते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि वही सारे चीज़ आप फॉलो करें, आपके फीड में वो सारे चीज हो जिससे आपको मोटिवेशन मिले। आपका लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, सोशल मीडिया में नहीं। चाहे दिन भर में आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, मन में सुकून और शांति बनाए रखने के लिए आप प्रेयर्स करो। आप कोई भी रिलीजन को मानते हो, आप नमाज पढ़ो, आप मंदिर जाओ, आप पूजा करो, आप अगर ये सारे चीज़ को आप फॉलो करते होंगे तो आपको दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, और अपने रूटीन पे स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना। सो आप कोई भी धर्म को मानते हो, आप अपने गॉड के साथ कनेक्ट होना शुरू करो, और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में ये भी इंक्लूड करो, ताकि आप नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ो, या फिर मंदिर जाओ, या फिर घर पे पूजा कर लो, थोड़ा सा वक्त निकाल के आप अपने साथ भी टाइम स्पेंड करो और गॉड के साथ भी। मैं कोशिश करती हूँ, मुझसे जितना होता है मैं फॉलो करती हूँ, सो प्लीज़ मुझे कोई जज मत करना। अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने रूटीन में राइटिंग करना शुरू कर दो। डायरी पे आप पूरा दिन क्या करोगे ये लिख के रखो, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, वर्कआउट कब करने जाना है, जॉब का टाइमिंग कब से कितना बजे तक आपका जॉब है, उसके बाद आपको क्या करना है, घर पे कौन सा काम आपका पेंडिंग पड़ा है, या फिर जैसे कि मैं यूट्यूब करती हूँ, मेरे को इंस्टा का शॉर्ट भी बनाना होता है, मेरे को इंस्टाग्राम भी का भी देखना होता है, तो ये सारे चीज़ मैं पूरा नोट डाउन करके रखती हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं बचता है कि मैं कौन सा टाइम पे फ्री बैठूँ, या फिर मैं स्क्रॉल करूँ, या फिर मैं कुछ और सोचूँ, क्योंकि जब हम लोग खाली बैठते हैं तो ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। तो अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो, प्रोडक्टिव रखो, अपना जिम का रूटीन सेट करो। आप अगर जिम नहीं जा रहे हो तो घर पर वर्कआउट कर रहे हो, उसका टाइमिंग आप लिख के रखो, पूरा दिन कितना खर्चा कर रहे हो,
क्या क्या डाइट पे आपको सब्जी आना चाहिए, फ्रूट आना चाहिए, अपने से अपना एक डिज़ाइन बनाओ। फिर हफ्ते में किन दिन फेस पैक लगाओगे, हफ्ते में कौन सा रूटीन क्या सेट करोगे, कौन सा सीरम कौन सा दिन लगाना है, हर एक छोटे छोटे डिटेल्स आपके डायरी पे होना चाहिए। इससे आपके लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, प्रोडक्टिव हो जाता है, और अपने रूटीन पे भी आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हो। एक हेल्दी माइंड के लिए और एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अच्छे से नींद ले। तो कोशिश करें 7 से 8 घंटा आप सोए और जल्दी सोए। जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, तो अपने पूरा दिन को प्रोडक्टिव भी बना सकते हो, अपने रूटीन को भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, ब्यूटी एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो कोशिश करना है कि हमें छोटा छोटा स्टेप लेना है और फोकस करना है हमारे रूटीन पे। कोशिश करना है कि हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। हर एक इंसान का लाइफ का जर्नी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, स्ट्रगल होता है। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो, अपने आप को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो इस पे फोकस करो। अगर आप कोई रूटीन को भी फॉलो करते हो, अगर उसको आप 10 से 20 दिन फॉलो करोगे तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा आगे के लिए, और आपको ईजिली आप फॉलो भी कर सकते हो। तो यही छोटे छोटे चीज़ों को करके आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो से आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा, हेल्प भी मिला होगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।